अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल जी। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंटर स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत तेज़ी से विंटर्स जो है ना वो आ रही हैं। तो मैं शॉपिंग के लिए आई हूँ यहाँ पे। मैंने शूज़ परचेज़ करने हैं, बहुत ही अच्छे मुझे इनके डिज़ाइन कलेक्शन बहुत प्यारी लगी। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप फ्रेंड्स के लिए एक वीडियो बना लूँ। और ये फैसलाबाद में है जी, शूज़ की कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। तकरीबन 1200 की रेंज पर ये शूज़ मिल रहे हैं और हैं भी काफ़ी पायदार और सॉफ्ट हैं। जैसा कि बच्चों ने पहने होते हैं ना, तो उनके लिए सॉफ्ट ही अगर आप जूते वगैरह परचेज़ करते हैं तो अच्छे रहते हैं। 1200 की रेंज पे ये जूते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे प्यारे से जूते हैं। मैंने भी यहाँ से तीन चार शूज़ के जो है ना वो पेयर लिए हैं। मोमना मिर्हा का लिया है, अयान का लिया है। अयान को बहुत ज़्यादा पसंद है लाइटों वाले शूज़, और वो काफ़ी देर से ना मुझे बार बार कह रहा था कि मामा मेरे शूज़ लेके आएँ, लाइट्स वाले शूज़ लेके आएँ। तो मैं यहाँ पर आई, फिर मैंने आते ही ये जो शॉपकीपर है इसे कहा कि भाई सबसे पहले मुझे डाइटों वाले शूज़ दिखाना, क्योंकि मेरे बेटे को वो बहुत पसंद है। और इसका पाँव नहीं था मिल रहा, ये देखिए उसको पहना के देख रहा है। साइज़ वगैरह चेक कर रही थी यहाँ पे। और ये जो शॉपकीपर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से ये क्लेवर है, बहुत तेज़ था। तो इसको मैंने जैसे ही बोला ना कि भाई थोड़ी सी इसकी प्राइस कम करें, तो उसने कहा कि रिसेंटली मैंने अपने बेटे के परचेज़ किए हैं और मैंने वो 2000 के लिए हैं, आपको तो फिर 1200 के मिल रहे हैं। मैंने कहा वाह जी, क्या ही बात है। और ये लाइट चली है तो यान खुश हुआ है देख के। और साथ मैंने छोटी बेबी जो है ना इरा के भी यहाँ से शूज़ परचेज़ किए हैं, तो ये मैं अपने लिए भी देख रही थी, लेकिन मेरा दिल नहीं माना यहाँ से परचेज़ करने के लिए। तो अब यान कह रहा है कि मामा यहाँ से चलें। अयान ना थोड़ी देर में बोर हो जाता है, वो कहीं जगह पे स्टे इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकता। और फिर मैं यहाँ पे आई हूँ क्रॉकरी शॉप पे, यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन थी। और आपके साथ एक चीज़ गाइड करती जाऊँ, मैं जो भी क्रॉकरी वगैरह परचेज़ करती हूँ मैं होलसेल शॉप से ही परचेज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे रिजनेबल प्राइस में चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं। और काफ़ी बार मैंने मॉल से भी चीज़ें परचेज़ की हैं, लेकिन उनका तकरीबन 200-300 का या 500 का, मतलब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आप होलसेल में आते हैं तो जितनी भी आपको घर में, किचन में या फिर वॉशरूम वगैरह में यूज़ होने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप यहाँ से आके इजीली परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी आपका बजट जो है ना वो बच जाता है, सेविंग हो जाती है आपकी। काफ़ी कुछ है यहाँ पे किचन में यूज़ करने के लिए, किचन को डेकोरेट करने के लिए हर तरह की आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो मसाला जात में हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बॉक्सेस वगैरह हैं जो आटा के लिए, डो के लिए, और ये देख सकते हैं आप स्पाइसेस वगैरह के लिए काफ़ी कलेक्शन है। और ये तकरीबन 200 या 250 की रेंज पे ना, ये जितने भी बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन इसी रेंज पे थे। और ये जो है ये इनकी डिफरेंट प्राइस थी। और इसके अलावा वो सामने जो मल्टी कलर में आपको नज़र आ रहे हैं वो जार थे, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है ये कि आप यहाँ पर आएँ होलसेल वाली शॉप पर, और यहाँ से आके ईज़िली अपने किचन की, अपने घर की जितनी भी चीज़ें आप चाहें परचेज़ करें। ये जो मल्टी कलर की आपको नज़र आ रहे हैं बॉल छोटे से, तो ये मैंने मोमना मिर्हा बेबी के लिए परचेज़ किए, यान के लिए, ताकि कोई भी अगर छोटी चीज़ मैंने उनको डाल के देनी हो, जैसे कि अक्सर बच्चे चीज़ें वगैरह तोड़ते रहते हैं, तो मैं इसमें डाल के उनको दे सकती हूँ। तो ईज़िली अगर वो फेंकेंगे भी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब ये टूटेंगे नहीं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ना वो छोटी छोटी चाबियाँ मुझे नज़र आ रही थी रोटी रखने वाली, वो मैंने बच्चों के लिए ली हैं। बच्चे इस तरह से बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं अगर उनकी पसंद की चीज़ें उनके पास आ जाती हैं, तो इसीलिए वो शौक़ से फिर खाना भी खा लेते हैं इजीली। वो बच्चों ने जैसे ही चीज़ें अपनी देखी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और साथ ही एक यहाँ पे ना टॉयज़ वाली शॉप थी, अयान ने जैसे ही टॉयज़ देखे तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया टॉयज़ की तरफ, और जी मामा हमने टॉयज़ लेने। फिर मैंने यहाँ से कुछ टॉयज़ भी लिए बच्चों के लिए, जैसे कि मोमना मिर्हा और बेबी की बर्थडे गुजर के गई, तो मैंने बच्चों के लिए कोई शॉपिंग नहीं की थी, मतलब उनको गिफ्ट्स वगैरह नहीं दिए थे, बस थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन कर ली थी। तो फिर मैंने सोचा चले मैं बच्चों के लिए गिफ्ट्स ले लेती हूँ। और यहाँ से मैंने छोटी छोटी गाड़ियाँ वो ली हैं मोमना मिर्हा के लिए, कुछ बर्तन लिए, और साथ एक स्टिचिंग वाली मशीन बाहर मुझे नज़र आ रही थी, डिस्प्ले की हुई थी, बहुत अच्छी थी, वो मैंने ली है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के मैंने टॉयज़ लिए यहाँ पर कैरी थी शॉपिंग करने वाली जो होती हैं
रही हैं। ये देखें मशीन भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, मैंने लिया है एक पैक, और इसके साथ साथ छोटी छोटी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको मैं अभी दिखाती हूँ, वो मैंने ली है। और साथ मतलब इस तरह से काफ़ी कुछ ना बच्चों के लिए मैंने लिया है। टॉयज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ ये कि बच्चे बिज़ी रहते हैं टॉयज़ के साथ खेलते रहते हैं, तो फिर वो मामा पापा को इतना ज़्यादा तंग नहीं करते। और टॉयज़ हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा आइडिया है कि हम इस तरह से टॉयज़ बच्चों को देख के बिठा देते हैं तो वो आपस में बिज़ी रहते हैं। वो जो मल्टी कलर में आपको नज़र आ रहे हैं कुछ बॉल आपको आप देख रहे होंगे, वो मैंने सारा सेट लिया है बच्चों के लिए। और इसके अलावा मैं ढूंढ रही थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है। छोटी छोटी गाड़ियाँ मैंने ली, और इसके साथ कुछ डॉल, ये वाला जो है पैक ये मैंने लिया जो वो भाई दिखा रहे हैं। और तकरीबन ये मुझे आई थिंक ये 400 की रेंज पे मुझे पैक सारा मिल गया छोटी गाड़ियों का। होलसेल में जब आप आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बचत मिल जाती है, काफ़ी बजट आपका जो है वो सही सा रह जाता है।